लपेटते रहो विद हनी बनी। दोस्तों एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछना। तो बताओ कि इंडिया में गिफ्ट मिलने पर लोग क्या कहते हैं? ओए ये तो बहुत सिंपल है, लोग थैंक यू कहते हैं। गलत। अरे इंडिया में इंग्लिश भाषा में थैंक यू थोड़े ही बोलेंगे, सही आंसर है शुक्रिया या धन्यवाद। फिर गलत। कैसे? अरे क्योंकि इंडिया में गिफ्ट मिलने पर लोग थैंक्स या शुक्रिया नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। लपेटते रहो विद हनी बनी। पोपट सुनना। सुनना तो नहीं चाहिए क्योंकि तू बकवास ही करेगा, पर फिर भी बोल। बकवास नहीं, ब्रेकिंग न्यूज है। क्या ब्रेकिंग न्यूज? हाँ पोपट, आज मेरे पास बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, तू न्यूज वालों को फोन कर। क्या बात क्या बात क्या बात, बोल क्या ब्रेकिंग न्यूज है। मैं आज फुल स्पीड में ड्राइव करके जा रहा था और अचानक सामने भैंस आ गई। मैंने सही बोला था तू कुछ बकवास ही करेगा, इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है? अरे तू फोन तो लगा। और इसमें ब्रेकिंग न्यूज क्या है? अरे मैं रास्ते से फुल स्पीड में जा रहा था और अचानक सामने भैंस आ गई, तो मैंने अर्जेंटली ब्रेक मारा, तो हो गई ना ब्रेकिंग न्यूज। लपेटते रहो विद हनी बनी। अरे भाई लोग एक सवाल पूछूं? अरे पूछ ना तोताराम पूछ। अच्छा तू ये बताओ कि एक शादीशुदा आदमी बोले तो मैरिड मैन का एकदम शॉर्टकट में डेफिनेशन देना हो तो क्या बोलेंगे? ओ तेरी, मैरिड मैन का शॉर्टकट में डेफिनेशन है एक था टाइगर। हाँ तो फिर जो आदमी शादीशुदा नहीं है बोले तो अनमैरिड है, उसका शॉर्ट में डेफिनेशन क्या होगा? अनमैरिड। हाँ भाई पता। सिंपल, टाइगर अभी जिंदा है। लपेटते रहो विद हनी बनी। क्या बात है बड़े भाई, आज तो तुमने सच में जोरदार को किचन से छुट्टी दे दी। क्या बात। चलो अब सब लोग चक्के बताओ मेरे हाथ का खाना कैसा बना है। उतरी बड़े भाई तुम्हें खाना बनाना भी आता है ये आज पता चला। हाँ क्या बात। ये इस सब्जी में नमक नहीं है। हाँ वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? अरे क्योंकि जलने पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए ना। अरे लपेटते रहो विद हनी बनी। मैंने जब देखा मुझे बहुत पसंद आया। इत्ती एक बात बताऊं? हाँ हनी कहो। तुम बहुत खूबसूरत हो। हनी तुम तो बिल्कुल परियों जैसी हो। ओह हनी सच में? अरे नहीं मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। लपेटते रहो विद हनी बनी। दोस्तों एक जोक सुनाऊं? और सुना। अच्छा तो फिर सुनो, एक बार एक गंजा होता है। अरे बड़े भाई अभी जो पूरा सुनाया नहीं मैंने। अरे सॉरी। हाँ तो एक बार एक गंजा होता है, उसके सर पर तो बाल होते हैं, उनका आपस में प्यार होता है पर वो शादी नहीं कर सकते, बोलो क्यों? अरे क्यों? क्योंकि बाल विवाह इल्लीगल। लपेटते रहो विद हनी बनी। पोपट प्रेजेंट सर। तोताराम बोले तो प्रेजेंट सर। हनी प्रेजेंट सर। हनी इतने दिन से कहाँ थे? सर बर्ड फ्लू हो गया था। पर ये तो बर्ड्स में होता है, तुम तो बिल्ले हो। हाँ पर सर आप ही तो मुझे रोज रोज मुर्गा बना देते हो, बर्ड फ्लू तो होना ही था। लपेटते रहो विद हनी बनी। ये है तुम्हारे एग्जाम की करेक्टेड आंसर शीट।
अरे 5 मार्क्स आए हैं, फिर भी तुम्हें हंसी आ रही है। अरे सर, मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि ये 5 मार्क्स कहाँ से आ गए। अरे पोपट, क्या बात है, ये फूलों का गुलदस्ता और मिठाई, बात क्या है? आज मेरा जन्मदिन है। अरे वाह पोपट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। वैसे ये बता, अगर इस गुलाब को मून पर भेजना हो तो उसे क्या कहेंगे? ए, मुझे नहीं मालूम क्या कहेंगे। गुलाब जा मून, गुलाब जा मून, गुलाब जामून। लपेटते रहो विद हनी बनी। तो अगला सवाल बताइए कि मुर्गी को क्या खाना खिलाते हैं? बाजरा खिलाते हैं। इतनी गर्मी में बाजरा, गलत जवाब। आप बताइए कि सही जवाब क्या है? चावल। ये भी गलत जवाब। आपकी बारी, बताइए मुर्गी को क्या खाना खिलाते हैं? हाँ, हम तो 5-5 रुपए दे देते हैं और कहते हैं जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। अरे पोपट, एक ग्लास पानी ले आना। ओए, मैं क्यों लाऊं? जाके खुद ले आ। अरे प्लीज ले आना, प्लीज। नहीं लाऊंगा। प्लीज पोपट, पानी ले आना। ओए, अब एक बार और मांगा तो मार खाएगा। ठीक है, मैं एक बार और मांगूंगा, फिर जब मारने आओगे तब पानी लेते आना, ठीक है? लपेटते रहो विद हनी बनी। ये। अच्छा ये बताओ, हम क्लास में इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना? हाँ पढ़ते हैं। हम हिंदी पढ़ते हैं, है ना? हाँ पढ़ते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में बात भी करते हैं, कोई शक? कोई शक नहीं, पर तू बोलना क्या चाह रहा है पोपट? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ के इंग्लिश और हिंदी में बात कर सकते हैं, तो मैथ्स भी तो पढ़ते हैं, तो फिर मैथ्स में बात क्यों नहीं करते? हाँ भाई, कौन देगा इस सवाल का जवाब? मैं देता हूँ। ओए पोपट, ज्यादा 3-5 मत कर, 9 तो 11 हो जाएगा, वरना 5-7 खींच के दूंगा, फिर 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 72 बाहर आ जाएंगे। ओए, समझ गया, इससे तो हिंदी और इंग्लिश ही ठीक है। लपेटते रहो विद हनी बनी। अंकल, हाँ? आपके पास सोप है? हाँ है। अच्छा वाला है? हाँ। अच्छी क्वालिटी का है? हाँ भाई हाँ। तो हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो ना। अब क्या है, हो गए हमारे जूते, अब हम घर कैसे जाएंगे? अर्ज किया है, हो गए हमारे जूते, अब हम घर कैसे जाएंगे? हो गए हमारे जूते, अब हम घर कैसे जाएंगे? आप शायरी तो पूरी कीजिए, कसम से इतने मिलेंगे आप गिनते ही रह जाएंगे। लपेटते रहो विद हनी बनी। ऑक्सीजन सारे जीवों यानी लिविंग क्रिएचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसकी डिस्कवरी 1773 में हुई थी। ओ, बच गए, अगर उससे पहले पैदा होते तो मर ही जाते। छोटे भाई, मेरा ये होमवर्क भी कर दो ना प्लीज। पर बड़े भाई, पकड़े गए तो? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। ओके बड़े भाई, तुम्हारा होमवर्क मैं कर दूंगा, नोटबुक यहाँ रख देना। बच्चों, सब अपनी नोटबुक में होमवर्क वाली पेज को ओपन करके सबमिट करो।
यू हनी, ये तुम्हारा होमवर्क बनी की हैंडराइटिंग में क्यों है? अरे सर, क्योंकि मैंने बनी का पेन यूज किया था।